हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हमने जाना कि सेट्स क्या होते हैं और अलग अलग टाइप्स के सेट्स होते क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे कि उन सेट्स के ऊपर अगर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाए, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, तो हमारे पास जो नया सेट्स बनता है वो कैसे बनता है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो पहला ऑपरेशन है हमारा आपका ऑपरेशन ऑन सेट के अंदर यूनियन। यूनियन यूनियन मीन्स अगर हमारे पास कोई सेट गिवन है, मीन्स अगर हमारे दो सेट गिवन है और उस सेट का हमको क्या करना हो, यूनियन करना हो, तो हमारे पास जो नया सेट बनेगा वो उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यूनियन नॉर्मली आपके पास ये कहता है कि आपको दो सेट्स का आपके पास मर्ज कर देना है, मीन्स दोनों सेट्स को आपको ऐड कर देना है। उसको डिनोट कैसे करते हैं आपके पास, ए यूनियन बी। अगर हमारे पास दो सेट है, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, तो उसको डिनोट कैसे करेंगे यूनियन में, ए यूनियन बी। एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक एल सेट है ए, इसके अंदर के एलिमेंट्स आपके 1, 2, 3 और बी, दोनों उसके अंदर के एलिमेंट्स आपके पास 4, 5 अगर मेरे को इन सेट का यूनियन करना हुआ ए यूनियन बी, तो जो ये सेट बनेगा इसके अंदर क्या एलिमेंट्स होंगे, सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स, मीन 1, 2, 3, 4, 5, ये मैं क्या हो गया आपके पास यूनियन। अगर मेरे पास आपके पास बी सेट कुछ ऐसा आता है कि उसके अंदर मेरे पास एलिमेंट है 3, 4, 5, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कितने होने चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ था उस टाइम पे 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, तो यहाँ पे कितने आएंगे। नॉर्मल ए यूनियन में भी क्या आता है आपके पास, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 3, 4, 5, ये तो हमारे पास हो गया ए और बी दोनों के एलिमेंट्स। बट हम जानते हैं कि कभी भी हमारा सेट बनता है तो सेट के अंदर हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं होती। जैसे यहाँ 3 के हमारे पास रिपीट होती हैं, तो नॉर्मल आपके पास क्या होंगे, तो उसमें से एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या होगा हमारे पास, सेट ए यूनियन बी। या हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर हमको इन दोनों सेट का ए यूनियन बी करना हुआ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे 1, 2, 3, उसके बाद क्या लिखेंगे, सेट बी के एलिमेंट्स। ठीक, सेट बी में पहला एलिमेंट क्या है, 3, लेकिन 3 यहाँ पहले से ही अवेलेबल है तो 3 को हम नहीं लिखेंगे। फिर 4 इसमें अवेलेबल नहीं है तो 4, फिर 5। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होगा आपके पास, ए यूनियन बी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको एक ही सेट का यूनियन करना पड़ता है। लेट सपोज हमारे पास गिवन है कि सेट ए, और बोला गया कि सेट ए का यूनियन किया जाए, तो हमें पता है कि यूनियन कितने सेट्स के बीच में होता है, दो सेट्स के बीच में, और सेट गिवन है खाली ए, तो यहाँ पे क्या होगा, ए यूनियन ए, क्या होगा आपके पास, ए यूनियन ए। अगर हमको दिया गया है सिंपल सिंगल सेट ए और उसको बोला गया कि सेट ए का यूनियन करो, तो इसका मीन्स क्या होगा, ए यूनियन ए, तो इसका मीन्स क्या हो गया आपके पास, 1, 2, 3, इसका यूनियन करना आपके पास 1, 2, 3। तो आपके पास जो एलिमेंट आता है ए यूनियन ए करने के बाद, वो भी आपके पास कौन सा सेट बनता है, ए बनता है। जैसे ये क्या आपके पास 1, 2, 3, मैंने क्या बोला आपके पास, ए यूनियन बी, ए यूनियन ए करना है, तो पहले ए का एलिमेंट जो पहला एलिमेंट है सेट है उसके एलिमेंट्स, उसके बाद यूनियन दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स। तो यहाँ क्या है मेरे पास, 1 अगर मैं लिखना चाहूँगा तो पहले से ही अवेलेबल है, 2 लिखना चाहूँगा तो पहले से भी है, और 3 लिखना चाहूँगा तो पहले से ही, मीन्स ये पूरा का पूरा मेरा अवेलेबल है, और ये मेरा सेट क्या है आपके पास, ए। तो नॉर्मल क्या होता है, अगर किसी सेट का कोई एक सेट है उसका यूनियन उसी सेट के साथ करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में क्या आता है, वही वाला सेट आता है। और एक और चीज़ है आपके पास ए यूनियन बी में, कि एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, मीन्स अगर हम किसी भी सेट का दूसरे सेट के साथ यूनियन करते हैं, मीन्स ए यूनियन बी करते हैं या बी यूनियन ए करते हैं, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल। इसको भी देख लेते हैं किसी एग्जांपल से ही। लेट सपोज क्या है, ए मेरे पास ये है और बी मेरे पास है, लेट सपोज 3, 4, 5, यही है मेरे पास बी। तो अगर मैं
ए यूनियन बी करता हूँ तो क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3, फिर बी के एलिमेंट्स 3, पहले से ही है तो क्या आएगा 4, 5, तो ये मेरे पास ए यूनियन बी। और अगर मैं बी यूनियन ए करता हूँ तब क्या आता है मेरे पास, पहले बी के एलिमेंट्स, पहले बी लिखा हुआ 3, 4, 5, उसके बाद ए के एलिमेंट्स 1, 1 इसमें नहीं है 1, 2, 2 इसमें नहीं है 2, 3, 3 इसमें पहले से ही है तो वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक, अब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए से इक्वल है या नहीं, क्योंकि आपके पास देखेंगे कि आपके पास दोनों सेट में ए यूनियन बी में भी और बी यूनियन ए में भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 5, और सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है इक्वल, मीन्स सेम के सेम एलिमेंट है, तो मीन्स ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि दो सेट्स आपके पास इक्वल कब होते हैं, ये हमने पहले पिछले लेक्चर्स में हमने जान लिया था कि दो सेट्स इक्वल कब होते हैं कि जब दोनों के नंबर ऑफ कार्डिनलिटी मीन्स दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम और जो जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होते हैं तब क्या बोलते हैं हम दोनों एलिमेंट्स या दोनों सेट्स क्या हैं हमारे पास इक्वल हैं। तो ये था हमारे पास ए यूनियन बी, पहला ऑपरेशन आपका सेट का। ऐसे ही हमारे पास दूसरा ऑपरेशन है सेट में जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। दूसरा ऑपरेशन क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन। ठीक, इंटरसेक्शन मींस क्या है आपके पास, दो सेट्स का अगर हमको इंटरसेक्शन करना हो, ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना हो, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होता है कि दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट क्या है। तो नॉर्मल आपके पास ए अगर कोई सेट है उसका इंटरसेक्शन बी के साथ करते हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे कि ए इंटरसेक्शन बी है तो उसमें आपके पास एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं, ए जो ए इंटरसेक्शन बी में होगा, जो ए और बी दोनों में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही आते हैं हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में। तो एग्जांपल से समझते हैं, लेट सपोज ए के एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1, 2, 3 और बी के एलिमेंट्स हैं आपके पास 2, 3, 6, 9, ये मेरे पास है एलिमेंट्स बी के। तो अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन बी करना होगा तो नॉर्मली क्या होता है आपके पास कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है तो कैसे लिखते हैं 1, 2, 3 इंटरसेक्शन 2, 3, 6, 9। ठीक, तो ए और बी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं, 2 और 3, और यहाँ भी क्या है 2, 3, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 3, दोनों सेट्स में 2 और 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ क्या आएगा आपके पास 2 और 3, तो ये क्या है आपके पास इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। जैसे हमने जाना था कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए होता है, वैसे ही क्या होता है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें वो इक्वल होता है। तो इसी में देख लेते हैं, अगर मैं करता हूँ बी इंटरसेक्शन ए तब क्या आएगा, पहले हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 2, 3, 6, 9 इंटरसेक्शन 1, 2, 3। ठीक, अगर मैं उसका इंटरसेक्शन करूँ तो क्या एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ 2 और 3 कॉमन है, ये 2 और 3 कॉमन है, तो आंसर में क्या आएगा 2 और 3, तो मीन्स 2, 3, 2, 3, मीन्स अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ या बी इंटरसेक्शन ए करता हूँ तो दोनों आपके पास कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ ये है आपके पास इंटरसेक्शन में, अगर हमारे पास सिंगल सेट का आपके पास इंटरसेक्शन करना हो, मीन्स अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन ए करना हो, ए इंटरसेक्शन ए, लेट सपोज ये है मेरे पास सेट गिवन है ए, और ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करना हो तो मेरे पास आंसर में क्या आता है ए, देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन ए मीन्स 1, 2, 3 इंटरसेक्शन 1, 2, 3। ठीक, तो ए और ए दोनों का इंटरसेक्शन करने तो मैंने क्या बोला कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, यही एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये क्या है कॉमन एलिमेंट्स है, और यही सेट क्या है मेरा ए। मीन्स अगर ए का ए ही के साथ अगर जो सेट है आपके पास एक ही सेट गिवन है और बोला गया कि उस सेट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, तो अगर ए का ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं तो आउटपुट में क्या आएगा आपके पास ए। ठीक, इसमें एक और चीज़ है आपके पास कि लेट सपोज मेरे पास एलिमेंट्स हैं
ए के एलिमेंट्स है 1 2 3, बी के एलिमेंट्स है आपके पास 6 और 9। अगर मेरे को अब ए इंटरसेक्शन बी करना है तो नॉर्मल क्या होता है आपके पास, 1 2 3 इंटरसेक्शन 6 9। तो इंटरसेक्शन का मीन्स क्या है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट, बट यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 है, यहाँ 6 9 है, मीन्स दोनों सेट्स में कोई आपके पास कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा आपके पास, नॉर्मली 5। नॉर्मली क्या आएगा आपके पास, एम्प्टी सेट, जिसको इससे या आप 5 से डिनोट करते हो। तो मीन्स इंटरसेक्शन में क्या आपके पास कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं वही आएंगे। ठीक, तो ये था आपके पास सेकेंड ऑपरेशन सेट्स में। अब है आपके पास थर्ड ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं हम आपका सेट डिफरेंस। क्या बोलते हैं आपके पास, सेट डिफरेंस। थर्ड ऑपरेशन क्या है, सेट डिफरेंस, या इसी को और क्या बोला जाता है आपका, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या बोला जाता है आपका, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है आपके पास, a/b और a-b, ऐसे कैसे शुरू किया जाता है, a/b और a-b, मीन्स दो सेट्स हैं, दो सेट्स के बीच में अगर आपको पास कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस मीन्स माइनस, आपको सिंपल क्या करना है, माइनस आपको करना है दो सेट्स के बीच में, तो आपके पास जो एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे। जैसे हमने पहले देखा कि दो आपके पास थे, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें क्या प्रॉपर्टी क्या थी कि ए यूनियन बी करते हैं या बी यूनियन ए करते हैं तो दोनों सेम होते हैं। इंटरसेक्शन में भी देखा कि हमने ए इंटरसेक्शन बी करेंगे या बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो सेम होता है, बट सेट डिफरेंस में ऐसा नहीं होता। सेट डिफरेंस मीन्स ए माइनस बी इज डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये आपके पास प्रॉपर्टी है कि आपके पास सेट डिफरेंस अगर ए माइनस बी कर रहे हैं और बी माइनस ए कर रहे हैं तो दोनों के एलिमेंट्स हमेशा क्या आएंगे, अलग आते हैं। तो लेट्स सपोज इसका आपके पास नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, इसका मीन्स क्या होता है, जो आपके सेट में एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, एक्स, मीन्स जो हमारा एलिमेंट होगा एक्स, सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मीन्स आपके पास जो सेट बनेगा ए माइनस बी के बाद, तो उसमें जो भी एलिमेंट होगा वो एलिमेंट ए का ही होगा और वो एलिमेंट बी का नहीं होगा। अगर यही में अगर मैं बी माइनस ए करता हूँ तो मीन्स आपके पास सेट में जो एलिमेंट होगा एक्स, सच डैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मीन्स अगर बी माइनस ए करेंगे तो जो सेट्स के अंदर एलिमेंट आएंगे वो खाली बी के आएंगे, ए के नहीं आएंगे। ठीक, मीन्स ये हमेशा याद करना कि ए माइनस बी कर रहे हैं तो सेट के अंदर के हमेशा जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो ए के ही होंगे, बी के वो नहीं होंगे। और अगर बी माइनस ए कर रहे हैं तो सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो बी के ही होंगे, वो ए के नहीं होंगे। थोड़ा ये याद करना है और एक एग्जांपल समझते हैं कि ये होता क्या है। नॉर्मली लेट्स सपोज मेरे पास कोई सेट गिवन है आपके पास a 1 2 3, और सेट बी गिवन है आपके पास 3 4 5। ठीक, अगर मेरे को क्या करना है, सेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डेट इज ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मीन्स सेट ए के ही जो एक्स एलिमेंट होगा वो ए के ही होंगे, इस सेट के अंदर बी के नहीं होंगे। तो नॉर्मल इसको करना क्या है कि ए और बी, पहले क्या याद करना है, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हटा देना है। क्या हटा देना, ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है, ए और बी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, एक ये थर्ड एलिमेंट बस, यहाँ क्या है 1 2 3, यहाँ क्या है 3 4 5। पहला स्टेप ये है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हमने हटा दिया। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा सेट ए के अंदर 1 2, और सेट बी के अंदर क्या बचा 4 5, इतना ही बचेगा। तो जो सेट ए के अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो इसमें लिख देना है बस। ये क्या आपके पास ए माइनस बी, मीन्स सिंपल सा है ए माइनस बी। पहले क्या, पहला स्टेप क्या है, ए और बी में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हटा दो। तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है 3, और इसमें क्या है 3, मीन्स 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है ए और बी में। हटाने के बाद क्या बनेगा हमारा सेट ए के एलिमेंट्स 1 और 2, और सेट बी में क्या बचेंगे हमारे पास 4 और 5। ठीक, यही बचेंगे।
सेट ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स ये हैं और सेट बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स ये हैं, ठीक। पहला स्टेप करने के बाद दूसरा स्टेप, जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे सेट ए में, जब हम कर रहे हों ए माइनस बी, तो सेट ए में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हम इसमें लिख देंगे। अगर वही हम क्या करेंगे, बी माइनस ए, क्या करेंगे, बी माइनस ए। तो सिंपल पहला स्टेप वही रहेगा कि दोनों में, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हम हटा देंगे। क्या एलिमेंट है, थ्री, थ्री एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, उसको हटा दिया। तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचे, ए में बचा वन टू, बी में क्या बचा फोर फाइव। हम क्या कर रहे हैं, बी माइनस ए, तो जो ये सेट होगा इस सेट में कौन से एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, बी के, जो बी के मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हुए तो क्या है, फोर और फाइव, ठीक। ये तो नॉर्मल क्या है, ए और बी। तो देखा आपको ए माइनस बी में क्या है आपके वन टू, और बी माइनस ए में क्या है फोर फाइव। तो ए माइनस बी इज डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। और अगर बाई चांस हमारे पास ऐसा ऐसा होता है कि आपके पास सेट ए ही है और इसी का सेट डिफरेंस करना है, मीन्स इसका इसी के साथ सेट डिफरेंस करना है, तो नॉर्मल आपके पास क्या आ जाता है, फाइव। कैसे, कि अगर मेरे पास सेट ए ये था, ठीक, तो और अगर मेरे को ए माइनस ए करना है नॉर्मली, तो मेरे पास क्या है, दूसरा सेट भी ए चाहिए, तो दूसरा सेट भी ए ही होता, वो क्या होता है, यही एलिमेंट यही होते हैं आपके पास, ठीक। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या था, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है, कॉमन कॉन कॉमन एलिमेंट क्या है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, तीनों एलिमेंट्स कॉमन है। तो तीनों एलिमेंट्स को हटाने के बाद मेरा क्या बचता है, यहाँ पे एलिमेंट्स फाइव, और यहाँ भी एलिमेंट क्या बचता, फाइव, मीन्स कुछ भी एलिमेंट नहीं। तो उसके बाद ए माइनस ए मीन्स पहले वाले ए, तो ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट है, रिमेनिंग क्या है, कुछ भी नहीं, तो नॉर्मल क्या होता है मेरे पास, नल, क्या बचता है, नल सेट, जो क्या मैं फाइव से भी डिनोट कर सकता हूँ, ठीक। तो ये था मेरे पास आपका थर्ड ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं आपके पास सेट डिफरेंस। इसके बाद मेरे आपके पास ऑपरेशन ऑन सेट में आपके पास फोर्थ ऑपरेशन आता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जो मेरे पास क्या, आपके पास फोर्थ ऑपरेशन, डेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कि मीन्स एक सेट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स जस्ट उसका अपोजिट। यहाँ आपको क्या है, सिंपल जस्ट उसका अपोजिट। यहाँ उसको कैसे डिनोट करते हैं, आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट को, या ए के ऊपर आपके पास सी आएगा सुपरस्क्रिप्ट में, सी या ए डैश या ए बार, ये नॉर्मल आपके पास डिनोट करने के तरीके हैं, किसके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, आप बेसिकली सबसे पहले आपको ये समझना पड़ता है कि आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या है। वो हमने पिछले लेक्चर्स में हमने जाना था कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है, वो क्या नॉर्मली फिर बता देता हूँ थोड़ा सा आपके पास, कि यूनिवर्सल सेट हमेशा जो भी सेट आप ले रहे हो उसी के कंटेक्स्ट पे आपका यूनिवर्सल सेट बनता है। अगर मेरे पास सेट ए है, उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, तो यूनिवर्सल सेट भी मेरे अल्फ़ाबेट्स का ही बनेगा। वो डिपेंड करेगा कि मैं अल्फ़ाबेट्स कहाँ से कहाँ तक होगा। वैसे अगर मेरा ए आपके पास इंटीजर्स नंबर हैं, तो यूनिवर्सल सेट भी मेरा इंटीजर्स का ही बनेगा। तो नॉर्मल आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, ए सुपरस्क्रिप्ट में सी, डेट इज यू माइनस ए। सो हमने क्या है, सिंपल यू माइनस ए, यू क्या है मेरा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, ये क्या आपके पास यूनिवर्सल सेट। नॉर्मल क्या है, यह यूनिवर्सल सेट वही होगा जिस जो एलिमेंट्स आपके ए में होंगे, मीन्स इसी के कंटेक्स्ट में। अगर मैं ए के एलिमेंट्स वन टू थ्री ले रहा हूँ, तो मीन्स आपके पास जो वन टू थ्री हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं, या नेचुरल नंबर्स हैं, या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक, ये आपके पास इंटीजर्स है नॉर्मल यही। तो जो मेरा सेट यू होगा वो क्या बनेगा आपके पास, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, या सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, या सेट ऑफ ऑल नॉर्मली इंटीजर्स। तो इस तरीके से आपके पास यू डिफाइंड होता है, ठीक। दो तरीके से होते हैं नॉर्मली आपके पास, या तो आपको क्वेश्चन में यू गिवन होगा, मीन्स यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, सेट ए गिवन होगा और सेट यू भी गिवन होगा, तब आपसे कहा जाएगा कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालिए। या नॉर्मली कभी आपको नहीं गिवन होगा यू, आपको खाली ए गिवन होगा, तो उसके बेसिस पे भी आप यूनिवर्सल सेट निकाल सकते हैं, ठीक। तो आइए करके देखते हैं एक दो क्वेश्चंस कि यू की कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसे निकाला जाता है, ठीक। ये तो था सिंपल फॉर्मूला। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है, सिंपली कि अगर आपके पास कोई सेट गिवन है ए, और ए के अंदर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है, ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ इसके पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि ए के एलिमेंट्स को छोड़ के, ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे मेरे यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक,
ए एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट्स बचेंगे मेरे यूनिवर्सल सेट के अंदर, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेरे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक, तो वही इसी चीज़ को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि सेट डिफरेंस क्या होता है। नॉर्मली क्या है सेट डिफरेंस, यू माइनस ए, तो इसको और कैसे लिखा जाता है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स इक्वल्स टू यू माइनस ए। इसका मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक्स एलिमेंट आएंगे और एक्स मेरे बिलोंग करेंगे यूनियन को एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मीन्स एक्स मेरा क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स जो आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो यूनियन के होंगे और वो एलिमेंट्स मेरे ए के नहीं होंगे। तो इसी पे एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट गिवन है ए, उसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3। ठीक, अब क्या है मेरे पास इस क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट भी गिवन है। लेट्स सपोज मेरे को यूनिवर्सल सेट गिवन है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये क्या है मेरा यूनिवर्सल सेट। तो नॉर्मल आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, यू माइनस ए, डेट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 1, 2, 3। ये हुआ तो नॉर्मल क्या है, सेट ए माइनस सेट बी, यही करना है आपको ऊपर नॉर्मल। और आपको पता है कि सेट डिफरेंस होता है क्या है, तो नॉर्मल पहला स्टेप क्या होता है कि इस सेट में ए और बी कि दोनों जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सबसे पहले वो हटा लिए जाते हैं। तो कौन कौन से कॉमन है, 1, 2, 3, ये दोनों, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स क्या हैं, कॉमन। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं सेट पहले वाले के, मीन्स ए के, मतलब ये वाला एलिमेंट्स, अभी मैं खाली ए माइनस बी कर रहा हूँ, अगर दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए तो यू माइनस ए है ये आपके पास यूनिवर्सल सेट माइनस एक सिंपल सेट। तो जो एलिमेंट्स आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे आपके पास, यूनिवर्सल सेट के यू माइनस ए के हैं, तो यू के रिमेनिंग एलिमेंट्स। रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या क्या बचे मेरे पास, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, अब दोबारा देख लेते हैं कि अगर आपके पास सेट है ए क्वेश्चन में गिवन है और यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है और बोला गया कि ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो, तो नॉर्मल क्या होता है ए का कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस ए, यू माइनस ए। ठीक, और हमें पता है कि अगर कहीं भी बीच में माइनस आए डेट इज़ सेट डिफरेंस, तो उसको कैसे निकाला जाता है कि यू माइनस ए में सबसे पहला स्टेप क्या है कि दोनों सेट में सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं और उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो क्या है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, दोनों सेट्स में क्या है कॉमन एलिमेंट्स, तो इनको हटा दिया हमने। उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचता है यू का, जो पहला वाला सेट होता है, क्या होता है पहला वाला सेट, अगर रिमेनिंग एलिमेंट्स बचता है तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आ जाते हैं आपके पास, यू माइनस ए के एलिमेंट्स। तो क्या है, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, और दूसरा आपके पास, ये तो आपके सिंपल हो गया कि आपके पास ए भी गिवन है और यू भी गिवन है। कभी कभी क्वेश्चन में आपके पास लेट सपोज ये गिवन नहीं होता है कि आपके पास ए है और फाइंड आउट करो कि आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइंड आउट करो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। नॉर्मल उसके पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, यू, क्योंकि जब यू ही निकले, जब तक यू नहीं निकलेगा तो हम एक कॉम्प्लीमेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो यू हमारे पास कौन किस बेसिस पे होता है, जैसे हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था कि जो भी हमारे पास सेट होता है ए उसके कंटेक्स्ट पे हम यू फाइंड आउट करते हैं। अब ए क्या है, ए के एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3। अब ये क्या है, नॉर्मल हमारे पास इंटीजर हैं, नॉर्मल 1, 2, 3 इंटीजर्स होते हैं, या पॉजिटिव इंटीजर भी बोल लीजिए या आप नेचुरल नंबर बोल लीजिए। तो इन सब में जो सबसे बड़ा सेट है वो क्या है आपके पास, इंटीजर्स का, इंटीजर्स का सेट है, डेट इज अप टू -3, -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, up to so on। ठीक, अब ये यूनिवर्सल सेट क्यों है, क्योंकि इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर मेरे पास ये तीन एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या हुआ मेरा यूनिवर्सल एलिमेंट। आप चाहो तो इसको यू को आप खाली नेचुरल नंबर्स भी लिख सकते हो, डेट इज़ 1, 2, 3, up to so on, आप ये भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस सेट के अंदर आपके पास ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक, तो ऐसा हमेशा क्या कीजिए कि जिस जो सबसे लेंदी आपके पास सेट हो, जो सबसे बड़ा सेट हो वो लिया जाता है। तो नॉर्मल यू के अब मेरे पास लेट सपोज इंटीजर है, आप चाहे तो नेचुरल नंबर लेके या पॉजिटिव इंटीजर लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मल क्या है मेरे पास, ये है यूनिवर्सल सेट। क्यों, क्योंकि इस मेरे को ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा तो क्या होगा आपके पास, यू माइनस ए। ठीक, और यू के एलिमेंट्स क्या हैं, -3
माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, अप टू सो ऑन. ये है मेरे यू के एलिमेंट्स. माइनस ए के एलिमेंट्स क्या हैं? वन टू थ्री. ए के एलिमेंट्स क्या हैं? वन टू थ्री. तो पहला स्टेप आपके पास क्या होगा? वन टू थ्री, ये बस कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये आपके हट जाएंगे. और रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है? रिमेनिंग एलिमेंट्स यू के वो इसके सेट में आ जाएंगे. डेट इज़ अप टू माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, फोर, फाइव, सिक्स, अप टू सो ऑन. तो ये क्या कहलाएगा? मेरा ए कॉम्प्लीमेंट. क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए को छोड़ के. ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो यू में हैं, वही है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट. तो ये कौन सा ऑपरेशन था आपके पास? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. इसके बाद मेरे पास एक और आपके पास ऑपरेशन आता है जिसको मैं बोला जाता है आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट. क्या बोला जाता है आपके पास? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट. सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये कि आपके पास ऑपरेशन सेट में लास्ट. तो नॉर्मली इसको कैसे डिनोट किया जाता है आपके पास? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, या इसको आपके पास ए डेल्टा बी. और इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास? नॉर्मली ए यूनियन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए. ये कि आपके पास सेट डिफरेंस का फॉर्मूला. मीन्स अगर दो सेट्स हैं आपके पास ए और बी और उसका सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो सिंपल क्या करेंगे? उन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करेंगे और उन्हीं दोनों सेट का आपके पास इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे और दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस का. एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, इस ऑपरेशन को. लेट्स सपोज ए के एलिमेंट से मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव, बी का है मेरे पास आपके पास है टू फोर सिक्स सेवन. अब मेरे को फाइंड आउट करना है आपके पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी. तो क्या है आपके पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी? ए यूनियन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए. ठीक, तो क्या होगा आपके पास? ए यूनियन बी, सेट ए के एलिमेंट्स वन टू थ्री फोर फाइव, यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या है आपके पास? टू फोर सिक्स सेवन. ठीक, ये है आपके पास. माइनस बी के एलिमेंट्स क्या हैं? टू फोर सिक्स सेवन. इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास नॉर्मली? वन टू थ्री फोर फाइव. ठीक, ये है आपके पास. क्या है? ए यूनियन बी. ए यूनियन बी में क्या आता है आपके पास? कि ए यूनियन बी का सेट क्या होता है? कि दोनों सेट, जो दोनों सेट हैं, दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स आपके पास उस सेट में आ जाते हैं, बस जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं वो नहीं आते. तो ए यूनियन बी क्या है? तो मीन्स पहले ए के एलिमेंट्स मैं लिख लेता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव, अब यूनियन बी के साथ. तो पहले क्या? टू. टू यहाँ पहले से ही है प्रेजेंट, तो इसको नहीं लिखूँगा. फोर पहले से प्रेजेंट है तो इसको नहीं लिखूँगा. उसके बाद सिक्स, सिक्स इसमें पहले से प्रेजेंट नहीं है तो सिक्स. सेवन, सेवन भी नहीं है तो सेवन. तो ये क्या हो गया? ए यूनियन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए. इंटरसेक्शन मीन्स दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट. कॉमन एलिमेंट्स क्या है? क्या टू कॉमन है? हाँ, टू इसमें भी है और टू इसमें भी है. तो पहला एलिमेंट क्या होगा आपके पास? टू. फोर इसमें भी है, इसमें भी है. दूसरा क्या हो गया? फोर. सिक्स इसमें है, इसमें नहीं है. सेवन इसमें है, इसमें नहीं है. वैसे ही थ्री इसमें है, इसमें नहीं है. फाइव इसमें है, इसमें नहीं है. तो आपके पास इंटरसेक्शन में क्या हो गया? टू और फोर. ठीक, अब क्या होगा आपके पास? अब ये मैं बन गया मेरे पास सेट ए और ये बन गया सेट बी. नॉर्मल क्या है? अब अगर क्या फाइंड आउट करना है? इन दोनों सेट के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस. और सिमेट्रिक डिफरेंस का मीन्स क्या होता है आपके पास? सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? कि इस सेट में पहला वही एलिमेंट्स आएंगे जो पहले वाला सेट हो. तो नॉर्मली स्टेप वाइज करते हैं. स्टेप वाइज मीन्स इन दोनों सेट्स में सबसे पहले जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे? डिलीट. इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट. तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? टू और फोर. ये टू और फोर क्या है? कॉमन एलिमेंट्स. तो ये क्या हो गए? डिलीट हो गए. उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट है पहले वाले सेट का वो आएगा. क्या है? वन थ्री फाइव सिक्स सेवन.
तो ये क्या आपके पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो नॉर्मल आपको क्या करना है कि सिमेट्रिक डिफरेंस अगर फाइंड आउट करना है तो नॉर्मल स्टेप वाइज कीजिए कि ए यूनियन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए। कहीं कहीं आपको पास ए इंटरसेक्शन बी भी मिल जाएगा, यहाँ पर यहाँ आपको बी यूनियन ए भी मिल जाएगा, दोनों क्या होते हैं सेम चीज़ होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपके पास क्या होता है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो यहाँ अगर कहीं ए यूनियन बी लिखा हुआ है कहीं और कहीं बी यूनियन ए लिखा है तो दोनों क्या है सेम चीज़। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक, दोनों क्या होती है सेम चीज़ होती है। तो यहाँ पे कहीं कहीं आपको बी इंटरसेक्शन ए भी मिल जाएगा कहीं आप और कहीं आपको ए इंटरसेक्शन बी भी मिल जाएगा, दोनों क्या होता है सेम। तो कभी भी आपको सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो क्या है आप नॉर्मली वो स्टेप वाइज कीजिए। स्टेप वाइज क्या है, पहले सेट ए और बी का यूनियन फाइंड आउट कर लीजिए माइनस ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लीजिए, और उसके बाद लास्ट ऑपरेशन क्या आपका सेट डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो सेट डिफरेंस क्या होता है, जो पहले एलिमेंट्स होते हैं पहले वाले सेट के एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स आते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हट जाते हैं। तो स्टेप वाइज अगर देखा जाए तो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स पहले हटा लिए जाते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं पहले वाले सेट का वो आपके पास रिमेनिंग जो सेट होते रिमेनिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट में आ जाते हैं। तो ये क्या आपके पास ए इंटरसेक्शन सॉरी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ये थे हमारे पास कुछ ऑपरेशन जो हम सेट में परफॉर्म करते हैं। तो इन ऑपरेशन का यूज़ करके अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बहुत सारे प्रूफ्स आने वाले हैं वो अभी हम करने वाले हैं।